हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी हालत आप देख सकते हो कैसी हो रही है। तो मुझसे भी ज्यादा गंदी हालत हो रही है मेरे किचन की, जो कि आपको बताऊंगी। और ये सारा मुझे सब समेटना है, क्या हालत हो रही है वो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़के रहते हैं ना रूम पे, वैसी हालत होती है ना, वैसी हो रही है अभी। क्योंकि खाना बनाया, पोहे बनाए, उसके बाद में आंवले की ना ये सुपारी भी बनाई, देखी मैंने, शेयर नहीं की, बट ये बहुत अच्छी लगती है जब पूरी प्रॉपर हो जाएगी ना, इसमें शक्कर वगैरह सब उसके बाद में। तो चलो आपको किचन का एक नजारा दिखाते हैं, फिर काम पे लगते हैं। उसके बाद मुझे जाना है शूट पर भी, तो रील्स भी बनानी है, तो उसके लिए मुझे रेडी भी होना है। तभी मुझे कुछ भी पता नहीं है कि क्या मुझे आउटफिट पहनना है, तो वो भी डिसाइड नहीं है, वो भी फटाफट से डिसाइड करेंगे। पहले आपको एक झलक इसकी दिखा देते हैं। ये देखिए भैया मेरा किचन और बर्तनों का ढेर। और आज का मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा खराब, मेरा मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी ये सारा मैं क्लीन करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा किचन। अभी देख सकते हो और बाद में दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस, बहुत ज्यादा हवा चल रही है और ऐसी हवा में मैं आई हूँ शूट करने के लिए। मेरी हालत खराब हो गई है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ठंड लग रही है। और कुछ रील्स मैंने शूट करी है, कुछ बाकी है। देखिए क्या बात करूं मैं आपसे, मतलब बाल इतने ज्यादा उड़ रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। घर का सारा काम निपटाने के बाद में फिर मैं फटाफट से रेडी हुई। रेडी होने के बाद में फिर मैं आई यहाँ पर शूट के लिए। और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साड़ी में कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। और आपको पता है साड़ी में गाड़ी चला कर आई हूँ, मैंने कभी भी साड़ी पहनकर गाड़ी नहीं चलाई है, आज पहली बार साड़ी पहनकर गाड़ी चलाई है। पूरा लुक आपको देखना है, चलो आपको दिखाते हैं पूरा लुक। बहुत हवा चल रही है। तो गाइस देखिए ये है मेरा पूरा लुक, पूरा सब करो भैया, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पता नहीं हवा की वजह से मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। तो अभी ज्यादातर बात नहीं होगी क्योंकि मुझे शूट करना है, रील्स बनानी है। तो आप लोगों को मेरी रील्स देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाना, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। वैसे तो मेरी इंस्टा आईडी है sona_279। तो चलो फटाफट से रील्स शूट करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस मैं रील्स वगैरह बनाकर आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड लगी वहाँ, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। आकर चाय पी, चेंज किया और लेट गई, मेकअप भी नहीं उतारा। और आप मेरी हालत देख सकते हो, मुझे कहीं जाना है इसलिए मैंने सोचा मेकअप नहीं उतारते हैं, वहाँ चल चलते हैं। कहाँ जाना है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलो आप व्लॉग के एंड तक बने रहिएगा, आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे। और आप लोग यहाँ मौसम कैसा, हमारे यहाँ तो बहुत बादल हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है बारिश आएगी, बट बारिश नहीं आई है। सोचा था लेट जाऊं लेकिन नींद भी नहीं आई। तो चलो उठते हैं और रेडी होते हैं और फिर कहाँ जाना है वो भी आपको बताते हैं। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, कहाँ जाने के लिए वो बता देते हैं। शादी में जाने के लिए, कल भी शादी में गई थी, आज भी जा रही हूँ। और कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में जरूर बताना यार। ये वाला टॉप पहना है, नीचे ये वाला प्लाजो पहना है और मैं अपने आप को तो काफ़ी अच्छी लग रही हूँ। आपको कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ओ यार आके पता चलता, इधर से थोड़ा सा और ऊपर किया जाए हेयर को, एक कमी है वो है मेरे चश्मे की, तो वो भी लगा लेते हैं, नहीं तो उसके बिना अधूरा अधूरा सा लगता है। चश्मा लगा लेते हैं, वो रखा है वहाँ पे, लगा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग आ गए हैं शादी में रेडी वेडी होकर, तो मस्त खाया पिया और इन्जॉय किया। उसके बाद में मैंने सोचा चलो यार दूल्हा दुल्हन की एंट्री है तो थोड़ा सा वो भी देख लेते। और गाइस यार क्या सुपर वाली एंट्री थी, इसमें कई अच्छे अच्छे सॉन्ग वगैरह सब बज रहे थे, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया वॉइस को, क्योंकि अगर वो मैं रखती तो मेरा कॉपीराइट आ जाता। और आप देख सकते दुल्हन कितनी प्रिटी लग रही है ना, और एंट्री और गजब वाली थी। उसके बाद क्या था, हम लोग गए घर, पहले मैंने दीदी को छोड़ा, उसके बाद मैं घर गई। घर जाकर देखा तो बहुत बड़ा बवाल हो रखा है, 11:35 हो गए हैं और इस लड़के को देख सकते हो ये बिल्कुल नहीं सो रहा है, इसकी मम्मी को परेशान कर दिया है। देखो 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 आज ऐसे क्यों कर रहा है, ज्यादा बहुत सोया, मेरे को क्या पता कैसा होगा रात को सुना दी अब शाम के किसने बोला 5 बज गई थी, हाँ, 5 बजे फिर भी वो तो उड़ गया था, अपन बोल रहे थे तो किसने सुलाया इसको, हमने सुलाया तो सुबह का, ये कब सोया 3 बजे तो सोया नहीं, सुबह का सोया ही नहीं था, 3 बजे ही सोया डायरेक्ट, 3 बजे सोया तो 5 बजे सो जाना यार, क्या हो गया है फोन आ रहा।
तो आपने देखा शैतान बच्चा रात की 11:30 बजे भी नहीं सो रहा था। हमने सोचा था घर जाके मस्त हम भी सो जाएंगे, लेकिन इसकी हरकत देखकर तो सो नहीं पाए। उसके बाद मैं अपने घर आ गई, मैंने सोचा चलो दूध वूध गर्म करते हैं, दूध वूध पीते हैं और आराम से फिर लेटेंगे। तो यहाँ पर धुएं की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है, देखो कैसा लग रहा है ना, अब पता चला ना दूध है। तो गाइस शादी से हम लोग आ गए हैं और मेरा दूध गर्म हो रहा है हल्दी वाला, बस वो पीकर सोएंगे। और काफ़ी अच्छी शादी थी, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ खाया, तो इतना ज़्यादा खाया कि बस अब ज़्यादा हो गया है, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ। तो और दूल्हा दुल्हन की एंट्री बहुत अच्छी थी और शादी भी बहुत अच्छी थी। तो चलो आपसे मिलते हैं डायरेक्ट अब मॉर्निंग में, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ ऑफिस और यहाँ मुझे आते से दिखते हैं अंकल अंगूर वाले। मैंने सोचा चलो खाते हैं, लेकिन बहुत महंगे थे तो मेरे बस की बात नहीं थी। तो सुनील ने बोला चलो मैं खिलाता हूँ 100 रुपए की किलो अंगूर, आधा किलो ले लिया हम लोगों ने। तो गाइज आप मेरे स्टाफ को देख सकते हो, ये बाहर आकर ऐसे टाइम पास करते, ये काम नहीं करते, इनकी कंप्लेन करी जाएगी। मजाक कर रही हूँ। चलो अंदर चलते हैं, कौन बैठा है? सुमित का है, बाहर ही है सुमित, यहाँ नहीं दिख रहा है देखिए। और जो बैठे हैं उनको हम नहीं लेना चाहते कैमरे में, तो चलो सुनील को सुमित को ढूंढते हैं। वो रहा पागल लड़का, एक पागल भाग चुका है पागल खाने से। अगर ऐसा लड़का आपको दिखता है तो आपके लिए प्राइज है, और ये मुझे ही मिल गया है, तो मतलब यही नाम मैं ही लूंगी। चलो इधर आओ, तो इधर आओ, इधर क्या कर रहे हो? हाय। कैसे हाय करते हैं सबसे? एक बार और ऐसे, इधर आ नहीं रहा यार, इधर आओ यार। मुझे ना अंगूर खाने, पता है मुझे अंगूर वाले भैया दिख गए थे, पर मेरे पास पैसे नहीं है आज, नहीं अब बहुत महंगे, अभी महंगे यार। तो गाइस अभी मैं जस्ट ऑफिस आई और देखा कि अंगूर वाले भैया खड़े हैं, तो मेरी लाल टपक गई। मैंने सोचा चलो खाते हैं, तो सुनील गया है लेने, तो चलो अपन भी वहाँ चलते हैं और क्या होता है, क्या भाव दे रहे हैं अंकल। तो खाते पीते और मस्त मजे करते हैं, खट्टे खरबूजा आधा किलो दे दो अंकल। हाँ थैंक यू सुनील, इतने महंगे अंगूर खिलाए मुझे, 100 रुपए किलो थी, आधा किलो लिए, चलो सब मिलके खाएंगे। गरीबी फल है केला। ये तुमने सही बोला, उसको वो हर कोई खरीद सकता है, क्यों सकता है ना। तो गाइस ये सुमित की नई गाड़ी है, इसका कहना है कि ये होम विजिट के लिए है, तो आपको दिखाते हैं गाड़ी। तो गाड़ी काफी अच्छी है और ये गाड़ी मैं ले लूंगी सुमित से, क्यों सुमित मैं ले लूंगी ना, ठीक है। धोने की एक आपको टेक्निक बताते हैं, ये रजिस्टर है, इसके ऊपर डालो थैली में। पहले हम ऐसे ही करते थे, इतने महंगे अंगूर है, देखो 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 इस लड़की को, इसको भी काम नहीं आ रहा है, बस 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 बस, इसको अच्छे से मिक्स कर लो। ए भाई ऐसे करना और नहीं चाहिएगा, बहुत है, अच्छे से धोना है। अरे वाह हाइजीन मेंटेन, क्या बात है, हाइजीन मेंटेन रखेगा सुमित। तो ये लड़का देखो काम कर रहा है, ये घर पर भी अच्छे काम करता है, इसलिए इसको सारी आदतें हैं कि कैसे अंगूर को धोते हैं, कैसे क्या करते हैं। खाने की आदत मुझे, वो मैं अच्छा काम करती हूँ, है ना सुमित। निकालो इसका पानी, कैसे निकालोगे, अच्छा धुल गए ना, अब इसका पानी निकालो, ढोल दो, देखो नीचे से फाड़ दी, देखो अक्कलमंद को, ये ऐसे धोए जाते अंगूर। क्या कर रहे हो? और फिर उसके बाद और क्या है, और डोरमेट वगैरह है, पर्दे हैं, गेट लगाओ। अरे यहाँ बहुत खट्टे हैं, तुम वहां पहुंच गए बिना बोले, शिकायत करनी पड़ेगी उनकी, सबकी शिकायतें लिखूंगी एक पेपर में, पता चला सबसे ज्यादा शिकायतें मेरी निकली। चलो खाओ ना खट्टे, ज्यादा खट्टे क्या? मुझे तो लग रहा है, मुझे भी लग रहा था, वो बेचने वाला तो बोलेगा मीठे है ना, सही है, अपने को थोड़ा खट्टे लगेंगे, सर को भी बुलाओ, पार्टी चल रही है, अंगूर पार्टी, अंगूर पार्टी चल रही है, अच्छा लगता है। पार्टी कर रहे हैं, आप लोग भी आ जाओ अंगूर खाने हो तो, खट्टे मैंने बोला भी था।
क्या खट्टे नहीं वो बोले मीठे है को बुलाया हाँ इसमें तो लगी होगी ना आपको ऐसे गान में तो कितने अच्छे से ले लो तुम्हें निकाल देंगे।